पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित तनिष्क ज्वेलरी में 3,70,00,000 से ज्यादा की लूट की गई है, जिसमें ज्यादातर हीरे के आभूषण हैं। पूर्णिया पुलिस ने इस लूट कांड का बहुत जल्द उद्भेदन करने का भरोसा दिया है। इस मामले में 2 लोगों को विशेष पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, जो लाइनर की भूमिका में हो सकते हैं। पूर्णिया SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले का सफल उद्भेदन कर दिया जाएगा। पुलिस को न केवल सही सुराग हाथ लगा है, बल्कि जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बताया गया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले अधिकांश सदस्य पूर्णिया से बाहर जिले के रहने वाले हैं। कुछ लोग जो पूर्णिया के हैं, वो लाइनर की भूमिका में हो सकते हैं। पूछताछ के दरमियान पूर्णिया SP ने कहा कि शोरूम के स्टाफ पर भी शक की सुई है, हो सकता है वो लोग भी लाइनर की भूमिका में शामिल हो सकते हैं, किंतु अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्णिया SP ने कहा कि बहुत जल्द इसका खुलासा पूर्णिया पुलिस के द्वारा कर दिया जाएगा। तनिष्क ज्वेलर्स में जो डकैती की घटना हुई थी, उस संबंध में अभी तक हम लोगों के द्वारा कई टीम्स बनाए गए हैं। पूर्णिया पुलिस के द्वारा भी 5 टीम्स बनाए गए हैं और SPF की भी 5 टीम काम कर रही है और अलग अलग दिशा में काम कर रही है। हम लोगों को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं इस संबंध में, 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और काफ़ी टेक्निकल बेसिस पे भी हम लोगों को काफ़ी सबूत मिले हैं। उसके आधार पे हम लोग बहुत जल्द इस केस का उद्भेदन भी कर लेंगे। हम लोगों का जो इन लोगों का जो रिट्रीट जो यहाँ से भागने का जो रूट है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके क्रम में हम लोगों को कई सारे सबूत भी मिले हैं। तो उस आधार पे हम लोगों ने कई अपराधकर्मियों की पहचान भी कर ली गई है और उसके आधार पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सर, 2 लोगों को जो डिटेल किया गया, वो 6-7 लोगों में से ही है या कोई नहीं? हम लोग उतना डिटेल हम नहीं बता सकते, लेकिन वो 2 लोगों को भी हम लोग जिस आधार पे, संदेह के आधार पे हम लोगों ने डिटेन किया है कि हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता हो। क्या वो लोग यहाँ के हैं या बाहर के हैं? यहाँ के हैं, लोकल हैं। SPF भी यहाँ आए हुए हैं और उनके द्वारा भी, सर के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी दिया जा रहा है और हम लोगों की सारी टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कुछ अक्रॉस मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टेट भी काम कर रही है और कुछ विद इन स्टेट्स अलग डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रही है। सर, क्या लगता है कि कब तक अपराधी आप लोगों के गिरफ्त? बहुत जल्द हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो लीड्स मिले हैं उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं।